सभी को मेरा स्नेहिल स्वागत और अभिवादन। आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं ग्लोबल समिट 2024 के उद्घाटन समारोह के अवसर पर, जिसका विषय है स्पिरिचुअलिटी फॉर क्लीन एंड हेल्दी सोसाइटी। यह एक ऐसा मंच है जहाँ आध्यात्मिकता और समाज की स्वच्छता और स्वास्थ्य को लेकर सार्थक विचार विमर्श किया जाएगा। हमारी सभा में मुख्य अतिथि के रूप में भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी उपस्थित हैं। हम उनका और सभी विशिष्ट अतिथियों का तहे दिल से स्वागत करते हैं। शुभ संकल्पों के दीप जलाए, परिवर्तन की है ये बेला, ये जग बदलने वाला, राजयोग का मार्ग यही। One world family, एक यही आवाज हर दिल से निकली, एक यही आवाज। One God, one world family. One God, one world family. विश्व एक परिवार है, विश्व एक परिवार है, एक पिता के हम सब बच्चे, ये अपना संसार है। One God, one world family. One God, one world family. It is now time for the moment we have all been eagerly waiting. Srimati Draupadi Murmu ji, who has closely associated herself with the Brahma Kumaris and its initiatives including Nasha Mukt Bharat Abhiyan and Rising India through spiritual empowerment. Her presence here today is a true reflection of her support for spirituality and the vision of a clean and healthy society. With great respect, I invite the Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu, to deliver her inaugural address. Om Shanti. Aaj Brahma Kumari Ishwariya Vishwavidyalaya Mount Abu Dwara ayojit 4 divasiya Global Summit, jiska vishay hai स्पिरिचुअलिटी फॉर क्लीन एंड हेल्दी सोसाइटी का आज इनागुरल सेशन है। इस सेशन में मंच में विराजमान राजस्थान के राज्यपाल श्री हरिभाव बागड़े जी, राजजगिनी मोहिनी बहन जी और जयंती बहन जी, राज्य की ब्रिजमोहन भाई जी और मृत्युंजय भाई जी, ब्रह्मा कुमारी परिवार के सभी राजजगी भाई और बहनों, देवियों और स्वजनों, स्वच्छ और स्वस्थ समाज के लिए आध्यात्मिकता विषय पर आयोजित इस ग्लोबल समिट में आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। जिस संस्था का लक्ष्य है स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, कहा जाता है आत्मा कुशल है सर्वसिद्धि। जब आत्मा कुशल हो, स्वच्छ हो, स्वस्थ हो, तो सब कुछ अपने आप सिद्ध हो जाता है। उसके द्वारा इस विषय पर ग्लोबल समिट का आयोजन सर्वथा उचित है। काल शाम और आज अमृत वेला मानसरोवर में बाबा का रूम में मुझे कुछ समय बिताने का सौभाग्य मिला। इसके साथ काल
करीब 30-40 सीनियर राजयोगिनी भाई बहन से थोड़े समय बिताने का, वार्तालाप करने का मुझे सौभाग्य मिला। लेकिन राज्य के निर्बल भाई जी की कमी मुझे महसूस हुई। वे आजीवन मानवता के कल्याण के प्रति समर्पित थे। वैश्विक शांति और नैतिकता पर आधारित समाज निर्माण के प्रयासों के लिए उनको हमेशा याद किया जाएगा। मैं उनकी पूर्ण स्मृति को नमन करती हूँ। देवियों और स्वजनों, आध्यात्मिकता का मतलब धार्मिक होना या सांसारिक कार्य का त्याग कर देना नहीं है। आध्यात्मिकता अर्थ है अपने भीतर की शक्ति को पहचान कर अपने आचरण और विचारों में शुद्धता लाना। मनुष्य अपने कर्मों का त्याग करके नहीं बल्कि अपने कर्मों को सुधार कर बेहतर इंसान बन सकता है। विचारों और कर्मों में शुद्धता जीवन के हर क्षेत्रों में संतुलन और शांति लाने का मार्ग है। ये एक स्वस्थ और स्वच्छ समाज के निर्माण के लिए भी आवश्यक है। ये माना जाता है कि स्वच्छ शरीर में ही पवित्र अंतःकरण का वास होता है। सभी परंपराओं में स्वच्छता को महत्व दिया जाता है। कोई भी पवित्र क्रिया करने से पहले स्वयं और अपने परिवेश की साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है। लेकिन स्वच्छता केवल बाहरी वातावरण में नहीं बल्कि हमारे विचारों और कर्मों में भी होने चाहिए। कहा जाता है मेरे पूर्व राजयोगिनी जयंती बहन, मोहिनी बहन, ब्रिज भाई, ब्रिजमोहन भाई, मृत्युंजय भाई सभी ने बोले, हम परमात्मा के संतान हैं। परमात्मा विचित्र है, हम भी विचित्र हैं। स्वच्छ और शुद्ध स्वरूप है, हम भी स्वच्छ और शुद्ध हैं। लेकिन यहाँ आके हम अपने आप को दाग लगाए हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, हिंसा, देश, गर्व, अहंकार का एक टेंट टेंटेड हुए। इसलिए उसी को स्वच्छ बनाना है। मैं जो बता रही थी आत्मा कुशल सर्वसिद्धि, जब आत्मा शुद्ध होगा सब सिद्धि हो जाए। अगर हम मानसिक और आत्मिक रूप से स्वच्छ नहीं है तो बाहरी स्वच्छता निष्फल रहेगी। आध्यात्मिक मूल्यों का तिरस्कार करके केवल भौतिक प्रगति का मार्ग अपनाना अंततः विनाशकारी की सिद्ध होता है, विनाशकारी ही शुद्ध होता है। स्वच्छ मानसिकता के आधार पर ही समग्र स्वास्थ्य संभव होता है। अच्छे स्वास्थ्य के कई आयाम होते हैं, जैसे शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक स्वास्थ्य। ये सभी आयाम परस्पर जुड़े हुए हैं और हमारे जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य सही सोच पर निर्भर करता है, क्योंकि हमारे विचार ही शब्दों और व्यवहार का को रूप देते हैं। दूसरों के प्रति कोई राय बनाने से पहले हमें अपने अंतर्मुख में झांकना चाहिए। जब हम किसी दूसरों की परिस्थिति में अपने आप को रख कर देखेंगे तब से ही राय बन पाएंगे। संत कबीर ने कहा था, बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिले या कोई, जो मन खोजा अपना, मुझसा बुरा ना कोई। हमारे पूर्वजों ने अंतःकरण की शुद्धता के लिए आहार की शुद्धता पर जोर दिया था। छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है, आहार शुद्ध स्वच्छ शुद्धि, अर्थात आहार ही की शुद्धता से अंतःकरण शुद्ध होता है। शुद्ध आहार के लिए शुद्ध अन्न उपजाने उपजना जरूरी है।
शुद्ध अन्न उपजाना मिट्टी पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि सरकार द्वारा रासायनिक खाद की जगह जीवामृत और प्राकृतिक खाद और बीजामृत जैसे बीज पोषक तत्वों की सहायता से प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्राकृतिक खेती से स्वच्छ अन्न तथा स्वच्छ अन्न से स्वस्थ मन की कड़ी बनती है। जैसे बीके भाई बहन जैविक खेती को प्रोत्साहन किए हैं और चारों तरफ जैविक खेती करने के लिए वो प्रोत्साहित करते हैं और खुद भी करते हैं। ये शरीर के लिए मन के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसलिए कहा जाता है जैसा मन जैसा अन्न ऐसा मन। आप जैसा अन्न खाएंगे ऐसा ही मन बनेगा, शरीर मानसिकता ऐसे ही बनेगा। देवियों और स्वजन, भारत सरकार देशवासियों के स्वच्छ और स्वस्थ जीवन के लिए अनेक प्रयास कर रही है। परसों ही स्वच्छ भारत मिशन के 10 वर्ष पूरी हुई है। इस मिशन ने समाज में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाई है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने का संकल्प दिया गया है और 78% से अधिक ग्रामीण घरों में नल से जल पहुंचाया जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि स्वच्छ जल केवल शरीर की स्वच्छता बल्कि संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य है। पिछले महीने ही 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिकों को आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत चिकित्सा सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। सरकार ने इन सभी प्रयासों के उद्देश्य एक स्वच्छ और स्वस्थ समाज का निर्माण करना है। इन प्रकल्पों को सफल बनाने में जन भागीदारी का महत्वपूर्ण स्थान है। ब्रह्मा कुमारी जैसे संस्थानों से ये अपेक्षा की जाती है कि आध्यात्मिकता के बल पर लोगों को स्वच्छ और स्वस्थ जीवन जीने के लिए जागरूक करते रहेंगे। आध्यात्मिकता हमारी निजी जीवन को ही नहीं बल्कि समाज और धरती से जुड़े अनेक मुद्दों जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन और सोशल जस्टिस को भी शक्ति प्रदान करती है। अन्न, जल और वायु की शुद्धता से समग्र जीवन शुद्ध और स्वस्थ हो जाता है। आज विश्व के अनेक हिस्सों में अशांति का वातावरण व्याप्त है, मानवीय मूल्यों का ह्रास हो रहा है। ऐसे समय में शांति और एकता की महत्ता और अधिक बढ़ रहा है। शांति केवल बाहरी नहीं बल्कि हमारे मन की गहराई में स्थित होती है। जो भाव शांत होते हैं तभी हम दूसरों के प्रति सहानुभूति और प्रेम का भाव रख सकते हैं। इसलिए मन, वचन, कर्म सबको स्वच्छ रखना होगा। ब्रह्मा कुमारी जैसे संस्थानों के योग और अध्यात्म की शिक्षा हमें आंतरिक शांति का अनुभव कराती है। ये शांति न केवल हमारी भीतर बल्कि पूरी समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की क्षमता रखती है। मुझे विश्वास है यहाँ यूनिवर्सल पीस और हारमोनी पर आयोजित सत्रों में विश्व शांति के नए रास्ते निकल कर आएंगे। ये समिट आज से 7 तारीख तक चलने वाला है। मुझे लगता है ये 4 दिनों में बहुत सारे सत्र आएंगे। ये विश्व शांति या विश्व को स्वच्छ और हेल्दी बनाने में जरूर ये लाभदायक होगा। आज जब हम ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरण प्रदूषण के विपरीत प्रभाव से जूझ रहे हैं तो अब इन चुनौतियों का सामना करने के लिए सभी संभव प्रयास करने चाहिए। मनुष्य को ये समझना चाहिए कि वो इस धरती का स्वामी नहीं है बल्कि पृथ्वी के संरक्षण के लिए जिम्मेवार है। हम ट्रस्टी है, हम ओनर नहीं है। इसलिए ट्रस्टी के रूप में ये धरती, ये प्लानेट को हम लोगों को
उसी दिशा में ज्ञान लेना है, संभलना है, आगे बढ़ाना है। इसे अपने विवेक से इस ग्रह की रक्षा करनी है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि इस समिट के एक सत्र में क्लाइमेट चेंज का सामना करने के लिए सामूहिक उपायों पर भी चर्चा होगी। हम जानते हैं कि अभी जैसे क्लाइमेट जो है चेंज हो रहा है, कहीं ज़्यादा बारिश होने के बाद बाढ़ सुनामी का परिस्थिति है, कहाँ सुखाड़ है, लोग तरह तरह के परेशानियाँ चलते हैं। इसीलिए परिवेश को सुस्त करने जितने मनुष्य की पॉपुलेशन बढ़ रहे हैं, जैसे पॉपुलेशन उसी हिसाब से हम लोगों को पेड़ पौधे काट रहे हैं। आज मैं वहाँ एक पेड़ लगाई हूँ। भारत सरकार ने 140 करोड़ भाई बहनों से अनुरोध किए हैं, हर भाई बहन एक एक माँ के नाम पे एक पेड़ लगाए। सार में 140 करोड़ हम पेड़ लगाएं तो मुझे लगता है 2-4 साल में पेड़ पौधों का संख्या बढ़ जाएगा। जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है वो भी आहिस्ता आहिस्ता सुधर जाएगा। ये जल वायु जो प्रदूषित हो रहा है, मुझे लगता है आहिस्ता आहिस्ता प्रदूषण होना बंद हो जाएगा। ये संस्थाएं गांव गांव तक, शहर शहर तक, शहर में इतने सारे संस्थाएं हैं, संस्थाएं के भाई बहन सभी परिवार से जुड़ते हैं, सभी परिवार को इस संदेश के साथ। मुझे पता है बहनें अपने अपने संस्था के द्वारा जितने भी पेड़ लगा रहे हैं ठीक है, लेकिन सभी परिवार सभी लोग एक एक पेड़ अपने माँ के नाम या अपने जन्मदिन पर हर साल एक एक पेड़ लगाएंगे तो मुझे लगता है जो परिस्थिति आज दिखाई दे रहा है वो परिस्थिति आहिस्ता आहिस्ता सुधर जाएगा। जो भारत की स्वाधीनता के 100 वर्ष पूरी होंगे तो ये संस्था 110 वर्ष की हो जाएगी। हमने आज़ादी के शताब्दी वर्ष तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है, एक ऐसा राष्ट्र बनाने का जो हर क्षेत्र में दुनिया को दिशा दिखा सके। भारत प्राचीन काल से ही अध्यात्म के क्षेत्र में विश्व समुदाय का मार्गदर्शन करता रहा है। मेरा कामना है कि ब्रह्मा कुमारी जैसे संस्थाएं भारत की इस पहचान को और मजबूत बनानेगी। देवियों स्वजन, भौतिकता हमें क्षण भर की शारीरिक और मानसिक संतुष्टि देती है, ये भली भांति ये संस्थाएं के भाई बहन जानते हैं। जिसे हम असली सुख समझकर उसके मोह में पड़ जाते हैं, यही मोह हमारी असंतुष्टि और दुख का कारण बन जाता है। दूसरी ओर अध्यात्म हमें अपने आप को जानने का, अपने अंतर्मुख को पहचानने का अवसर देता है। अध्यात्म से जुड़ाव हमें समाज और विश्व को देखने का एक अलग सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान करता है। ये दृष्टिकोण हमें सभी प्राणियों के प्रति दया और प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता का भाव उत्पन्न करता है। मेरा मानना है कि आध्यात्मिकता ना केवल व्यक्तिगत विकास का साधन है बल्कि ये समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का मार्ग भी है। जो हम अपने भीतर की स्वच्छता को पहचान पाने में सक्षम होंगे तभी हम एक स्वस्थ और शांतिपूर्ण समाज की स्थापना में अपना योगदान दे पाएंगे। इसीलिए ये भाई बहन खुद के साथ साथ पूरा विश्व को शांतिपूर्ण सुखदायी बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है आपके प्रयासों से, आपके समिट से, आपके 1937 से अभी तक के यात्रा से मुझे लगता है विश्व का परिवर्तन जरूर संभव होगा। कहा जाता है आप प्रयास करने से सब कुछ मिल जाएगा।
मुझे विश्वास है इस समिट में भाग लेने आए देश विदेश के प्रतिभागी जो यहाँ से जाएंगे तो वे ना केवल अपने आप में बदलाव महसूस कर रहे होंगे बल्कि समाज में भी बदलाव लाने में स्वयं को सक्षम महसूस करेंगे। आप सक्षम हो, मजबूत हो, मुझे पता है आप चट्टान के तरह हो, लेकिन दूसरों को भी मजबूत बनाने में आपका आध्यात्मिक शक्ति जरूर विश्व को बदलाने में सक्षम होगा। इसी आशा और भरोसा के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। मैं आशा करती हूँ ये समिट विश्व को जरूर एक परिवर्तन लाने में सक्षम होगा। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, ओम शांति।